ओहो दगड़ियो, पहला कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दगड़ियो, स्कूल से मैं आ चुका हूँ और 3:30 बजे से आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर ही दिया है। तो स्कूल से आते ही दगड़ियो, खाना वाना खा के मैंने व्लॉग शुरू कर ही रखा थे। तो यहाँ ये बच्चे गाना वाना गा रहे थे। नाचे होता हूँ फूल खेल के लिए नोने ले गाना गाबेर करो बने तू चबड़ी खराबा अब क्या करू रे मजी चूरी तू खुशी की बात है मतलब की चीज में मतलब के तो कारण हुई हो इधर नाचना कि तू फूल कितना है अच्छा ये देखिए दगड़ियो, दिवाली आने वाली, इस वजह से बच्चे यहाँ खुशी मना रहे हैं हमारे गांव के। आज भी घर पर कोई नहीं है दगड़ियो, सभी लोग गए हैं गाजर काटने के लिए, क्योंकि अब 3 दिन बारिश हो गई थी लगातार, तो लोग अपने काम ही नहीं कर पाए। जो ये गाजर काटने का काम हो रहा है वो नहीं कर पाए और लोग ग्वाला भी नहीं जा पाए, तो इस वजह से अब जा रहे हैं सारे लोग अब गाजर काटने के लिए। वैसे ना अगर 3 दिन लगातार बारिश नहीं होती, धूप आई रहती, तो शायद अभी तक हमारा गाजर कट जाता, हमारे का सबका ही कट जाता जहाँ तक है। तो अब 2-3 दिन लगेंगे हमारे गाजर को और काटने में, अगर बारिश नहीं होती तो गाजर भी कट जाता। और जो कटा कटाया गाजर था ना, काट के सुखाने के लिए डाल रखा था, तो बारिश हो गई थी तो वो भी ख़राब हो ही चुका है बहुत से लोगों का। इतनी बारिश के बावजूद भी लोगों को जैसे तैसे करके घास काटने के लिए जाना ही पड़ा जंगलों में, क्योंकि आप दगड़ियों अब इतनी बारिश हो रही थी, लोग अपनी बकरियों और बैलों को चराने के लिए ग्वाला तो ले जा नहीं सकते थे, क्योंकि अब इतनी बारिश हो रही थी। एक तो डर वैसे ही लगा रहता है इतनी बारिश में कि यार कहीं से लैंडस्लाइड ना हो जाए, ना कुछ घटना ना घट जाए करके। लेकिन फिर अपने पशुओं को ऐसे भूखा तो नहीं रखा जा सकता ना, वो भी 3 दिन तक। तो लोगों को जैसे तैसे घास काटने के लिए जाना ही पड़ता था, चाहे सुबह हो, दिन में हो या शाम को हो। मतलब जब भी थोड़ी बहुत बारिश कम हो जाती थी, लोग चले आते थे घास काटने के लिए, टाइम निकाल कर जल्दी जल्दी जाते थे, जल्दी जल्दी आते थे, क्योंकि यार 3 दिन तक लगातार बारिश हुई तो ये 3 दिन थे एक तो बहुत ही भयानक रहे और डर भी लगा रहता था यार कहीं कुछ हो ना जाए करके, क्योंकि कभी कहीं से लैंडस्लाइड हो जा रहा था, कभी कहीं से, कभी बड़े बड़े पेड़ बह के आ जा रहे थे, कभी आम का पेड़ टूट रहा है, कभी केले के पेड़ टूट रहे, तो डर भी लगा रहता था यार कहीं कुछ हो ना जाए करके। तो लोग इस वजह से जल्दी जल्दी जाते थे घास काटने के लिए और जल्दी जल्दी आ भी जाते थे जितना उनसे हो पाता था, जितना वो ला सकते थे, क्योंकि एक तो बारिश में रास्ते भी एकदम फिसलन वाले होते हैं, तो इस वजह से जितना घास का गट्ठा लाते थे और दिन, तो उसका आधा ही ला सकते हो ना बारिश के मौसम में, ऐसा होता है क्योंकि रास्ते इतने फिसलन वाले होते हैं ना, उस फिसलन वाले रास्ते में ज़्यादा बोझ भी नहीं सहाया जा सकता। अगर ज़्यादा बोझ में अगर रड़ गए ना, तो फिर मतलब और तो कुछ नुकसान नहीं होगा, अपना ही ज़्यादा नुकसान होगा, कहीं हड्डी भी टूट सकती है, इसका भी डर रहता है ना ऐसे बरसातों के मौसम में। एक तो यहाँ के रास्ते भी ऐसे ही होते हैं, सब कुछ देखना भी पड़ता है, अपने पशुओं का भी पालन करना पड़ता है ऐसे, और अपनी जान जोखिम में डाल के उनके लिए घास लाना पड़ता है, जैसे तैसे मतलब कैसे ना कैसे तो लाना ही पड़ता है। अब भले कितनी बारिश क्यों ना आती, फिर भी वो जाते ही घास काटने के लिए, क्योंकि 3 दिन तक ऐसे भूखा तो नहीं रह सकते उन्हें। और दगड़ियों तुमन, मैं बहुत लोग ने मैं तक कमेंट ला आ रहा थी कि तुम 2-3 दिन में वीडियो न डनना के बाद भय तुम ठीक थो छाने, तुम्हें कुछ बात कहचन, मैं मतलब कि है तो न रे कभी न। तो दगड़ियों आज व्लॉग माध्यम पर मैं तुम्हारा कमेंट ने रिप्लाई दिनी कि दगड़ियों मैं ठीक छूँ, और 2-3 दिन में मैंने व्लॉग ये लीजिन डाल की, क्योंकि हमारे वहाँ 3 दिन में ना लाइट छी ना नेटवर्क छी, तब मैं व्लॉग न डाल पाई। लेकिन 3 दिन में मैंने थोड़ा बहुत मैंने व्लॉग शूट कर ही रहा थी, क्योंकि मेरे में 20-30% चार छने छी, तो व्लॉग शूट कर बेर एडिट कर बे मैं धर रहा थी अपने पास, बस मैं नेटवर्क का इंतजार करने छी, जदल नेटवर्क को नहीं छा मैं शैट टकर बे डाल दियो और तुमन के अपन अपडेट दे दियो और अपना गौकला अपडेट दे दियो और पहाड़ अपडेट ले दे दियो, यहाँ कस हरा होगा भेड़ तो ने। तो बाकी अपडेट आपको मिली गई है और अच्छा लगा यार दगड़ियो, आप ना आपने जब मेरी वीडियो में कमेंट करते हो, मतलब वैसे अच्छे अच्छे कमेंट्स तो आप करते ही हो, लेकिन आपने अगर मैंने 2-3 दिन से, अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ मैं देखो ना मैं बोल रहा हूँ ना दगड़ियो, देखो वैसे आप मेरी वीडियो में हर वीडियो में कमेंट करते हो, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, लेकिन 2-3 दिन से मैंने व्लॉग नहीं डाला तो आपने
चिंता भी दिखाई, मतलब मेरे व्लॉग में आपने बोला है कि यार आप कहाँ हो, अच्छे तो हो, आपकी तबीयत तो ठीक है, ऐसे करके आपने बहुत लोगों का आपका कमेंट आया कि आप 2-3 दिन से व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, मतलब कैसे हो, आपके हाल समाचार कैसे करके। तो मेरे को वो कमेंट पढ़ के भी बहुत अच्छा लगा, तो लगा कि यार हाँ आपकी लाइफ में मेरी भी कुछ अहमियत है करके, क्योंकि जब आप मेरे को अपना कुछ मानते हो, अपना भाई दोस्त बेटा जो भी मानते हो आप मेरे को अपना, तो तभी आपने मेरे को कमेंट किया कि आप सही तो हो करके, या आप 2-3 दिन से वीडियो डाल रहे हो, क्या कारण है करके। तो वो मेरे को भी पढ़ के अच्छा लगा कि यार लगा कि हाँ आपकी लाइफ में भी मेरी कुछ अहमियत है करके। और तो आज मैं बता देता हूँ कि अब सब बढ़िया है, धूप आ चुकी है, फ़ोन में नेटवर्क भी आ चुके हैं, लाइट भी आ चुकी है, अभी फ़ोन में मेरा फ़िलहाल फुल चार्ज है दगड़ियों। और बाकी थोड़ा बहुत जो नुकसान हुआ, चलो छोड़ो, आप क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया, अब बस उसको हम सुधार कर सकते हैं, उसमें जो भी मलवा वलवा आ रखा है हमने वो साफ़ कर दिया है, और जो रास्ते में थोड़ी बहुत वो टूट फूट हो रखी थी, खड़ंच वाला रास्ता जो टूट रखा था वहाँ हमने पत्थरों की दीवार दे ही दी है, तो थोड़ा बहुत हमने सुधार भी कर ही दिया, आने जाने का रास्ता हमने साफ कर दिया है। तो जो भी ये नुकसान हो रखा है, बस अब और तो कुछ नहीं कर सकते, इसको हम अच्छा ही कर सकते हैं, तो हम अच्छा कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। और जितना भी जो खेत वेत के भी हमारे आधे आधे भी टूट रखे हैं उनको ही बनाने हैं अभी, तो चलो वो भी हो ही जाएगा धीरे धीरे। तो बाकी और सब अब बढ़िया है, अब मौसम अच्छा हो गया है, तो हमने यहाँ अपने छत में भट्टों को बिखेर दिया है, और हमारे बगल वाले चचा लोगों ने भी वहाँ भट्टों को सुखाने के लिए डाल रखा है, और हमने यहाँ घर की मिर्चियाँ तोड़कर भी सुखाने के लिए डाल रखी है, ये देखिए ये। और ऊपर वाले छत में भी हमने भट्ट सुखाने के लिए डाल रखे हैं, ऊपर और नीचे दोनों छत पे। तो अब जब भी ये भट्ट सूख जाते हैं फिर हम इनको चूटेंगे, और फिर ठंडियों में खाएंगे हम भट्ट के डुबुक ना, मज़ा आता है ठंडियों में वैसे भट्ट की दाल खाने में, और भुने हुए भट्टों को खाने में, क्योंकि भट्ट गर्म होते हैं ना, गर्मी होते हैं, तो अच्छा लगता है भट्टे की दाल खाना भी। दिखो ले आओ तुम लखला चिड़ू नहीं मैं तुम्हें लगाए। अब गोपू भाई की भी एक बुध शुरू हो चुकी है, क्या कर रहे हो गोपू अंकल, सॉरी गोपू भाई, गोपू अंकल को नहीं, गोपू भाई क्या कर रहे हो, लकड़ी का चट्टा हैं, इतनी लकड़ी सक दोगे तुम, उठा दोगे, उठाओ तो ये। गोपू राठौर ने यहाँ लकड़ियाँ दिन तक सुखाने के लिए डाल रखी थी धूप में, और अब गोपू भाई यहाँ चट्टा लगा रहा है लकड़ियों का। यो बुबला है ये लिल्ले यो घूम घूम दे हाँ क्यों होना है कौन तो जॉब में कहाँ घूम रहे यो जब आप आ गए बुबू तुम काबू ना चाहो घूम दे अच्छा कसौर आप बाढ़ में बल देना लगा रही घरों ना जाना ना रे हो बहुत छुट्टी चु ताऊ जी ताऊ जी ये ना हो भाई यो एन भैया तुम्हारे यहाँ देखते रहो यार तुम घूमने तो नाचो जरा एन में देख जाओ कसी राजा कबीर ने ये एकदम हैंडसम ने जाओ भाई जाओ ठीक भाई ठीक भाई ये धंधा भी आ चुके हमारे। हेलो हेलो धंधा हेलो कैसे हो ठीक हो बढ़िया बढ़िया अच्छा ओ यो किसी को नहीं हो ने धंधा हर रोज जदिन ने ब्लॉग में होनी हो हेलो तो कोनी कम से कम तुम लगा दिया करो अल्लाह आ जाऊँ 5 बज जाएंगे पूछ आए आग पूछ ना अब आ जाने ना हो काम दारू ये ये कैसे कैसे आते हैं कैसे करते हैं सल्यूट कैसे करते हैं बताओ बताओ धंधे इन्हें पता है ये ओए 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 अब ना आप रहता है क्या हो रहा है ना फोटो खींच गई तो क्या हो गया कुछ हो रहा है इसमें ना ना बढ़िया बस
बुबू को पता नहीं क्या हो रहा है ना, बुबू सोच रहे हैं पता नहीं कहाँ से भेज रहा है करके ना। बुबू को ये नहीं पता है वो बुबू के बच्चों के ही पास आ रहा है ना। कभी कहीं मर गया थी फोटो अमर रॉयल फोटो अमर रोने हुए फोटो का कहना हो घसार भी आ गए अब। यो आज अमर नेतला आ रहा यो अमर नेतला आए बोली ना गो फिर हो बाढ़ फेंकी चारे आ तुम यो अच्छा तुम जे बल्द बोला था हैं तुम ये बल्दे यो बल्दे हो तो ये बल्दे बिछड़ना हो रहे तेरी ये बल्दे हो तो पछीने रह जाना ये बल्दे हो ये कितना गजब का हो बना रखा है गुप्पा ने हमारे ये देखिए यो तो दगड़ियों अब मैं जा रहा हूँ नौले की और जर्किन भरने के लिए, क्योंकि दगड़ियों इतनी बारिश होने के बाद अब घरों के नलकुमा पानी आना भी बंद हो चुका है। अब थोड़ा उसे ठीक होने में टाइम लगेगा, टाइम क्या लगेगा वो ठीक हमें ही करना है, तो शायद कल करने जाएंगे लोग ठीक हमारे गाँव के ना। तो जब वो ठीक होगा मतलब जब हम ठीक करेंगे तभी नलकुमा पानी आएगा, अभी ठीक हुआ नहीं है। तो अभी बर्तन वर्तन मांजने के लिए या अन्य कुछ ऐसे कुछ नहीं बोलता हूँ मैं चचा आ गए हैं, ये देखो पानी भर के नलकुआ पानी आना ही बंद हो चुका है। ये पाइप ला गए हो ना तुम? अच्छा तो चाचा लाए हैं पाइप, क्योंकि ना वहाँ के पाइप भी टूट चुके हैं जहाँ से हमारा पानी का सप्लाई है, जहाँ से मेन पाइप है मतलब जहाँ टैंकी है ना वो टंकी के ऊपर साइड को बहुत दूर से पानी आता है भंजर के घतेरे से जहाँ नाम है उसका, तो वहाँ के पाइप टूट चुके हैं। तो चचा ही लाए हैं पाइप, नए पाइप ला रखे हैं वो, तो जब वो पाइपों को लगाएंगे तभी पानी आएगा। ये देखो ये माल घटियार साइड आ रखा हूँ यहाँ पानी भरने के लिए, नीचे नौले में नहीं जा रखा हूँ क्योंकि ना नीचे साइड को अभी भी गंदा पानी आ रहा है, यहाँ से जो ये कचार मचार है ना ये नीचे को बह के जा रहा है, तो अभी फ़िलहाल यहाँ भी नीचे गंदा पानी आ रहा है, इस वजह से आज ऊपर साइड से पानी भरने के लिए जाना पड़ रहा है हमें। नितिन भाई और गोलू भाई दोनों यहाँ पानी भरने के लिए आ रखे हैं, और ये जिरबॉ जी और सोलू भाई भी आ चुके हैं पीछे पीछे। भजा इसको, भजा यहाँ से, भगा यहाँ से, भजा 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 यहाँ देखो लड़ाई हो चुकी है। ये सोलू भाई बोई गया है अब यहाँ, ये सोलू भाई और नितिन भाई की खतरनाक लड़ाई हो चुकी है दगड़ियों। लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, सोलू भाई रोने लग चुका है। सोलू सोलू कल मारी अरे केन होन केन होन हिट हिट आ हम मरण पानी हिट आय मलिया भनु हा मीठा आय ल भनु यो हिट ल भनु हिट हिट मैम पदु फल भैचु मेरी यो ननू नान पोजे अब आ पान भनु आधे हिट हिट चलिए भनु पानी हिट कल भन्च तू है सोलू भाई मलगी ले गो पैण भन्न तो सब तलिए बनी सोलू भाई मलियो बनो यो सोलू भाई गुस्सा देखो दगड़ियो अब सोलू भाई तली बना भरो मलिप सोलू भाई आप चप्पल टेका टेका भी पहली पैण को पहुंचे करल आप साफ पैण भरल ने आगे चा झोला झंडी लीवे नौकरी वे नौकरी वे नौकरी वे अब झोल ली फिर तो यो डॉक्यूमेंट सुना ली मैं चाह गिलास ओहो लली फिर आ गई मिलने तो तुम मजा ओहो जीरवा जू फिर आ गई मैं तुम मजा मिलने
क्या काम है वह मैं बल्दे ही पल्दे ही ते काम में डोई डो रख उनी ओ अब यार हुनले फेको तो कड़ियो यो देखो यो यो अब यार हुन फेको तो चल ऊन फेगी धीमे धीमे कदमों से कि बाबा हालत जो खराब है वो नाचा यो या तो सब फटाफट दिखी नहीं पता हालत खराब कुछ है यहाँ सब फटाफट दिखी नहीं है फेराई अरे अच्छा गार्ड आ रहे थे के अच्छा ओ गार्ड ला पाने बहुत बड़ो ओ लली की कने थी तो तली मली लाइन तो मिले दी नहीं भी ने ओ लली के कने थी तो तली मली ओ लली अब लली चिंगान उड़ बह गया कोई मैं ऐसा खुशरून मगा देख बेर कोई खुशरून मगा देख बेर छोड़ो यार अब मत जा जा यो जा शट वेल जा समझ गई मैं बिछाए ढूंढ फे के मैं सन काम में लगा अब मैं जा कौसुबे में जाना गाले पहले जा गए तो दगड़ियो आप लली बोल रही है जा कर बेर तो अब मैं जा घर पर तो ठीक छू लली जा यो अल लली आई बिहार बा आ गए तो जा अपने ऐसे ना अम्मा घरे नहीं पे तो दगड़ियो अब देखो अंधेरा भी होने वाला है ना थोड़ी देर बाद अब अन्यार होने वाले छू पता तो आज के इस ब्लॉग का भी एंड करते हैं अगर आपको ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है ना तो भाई के लिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना बाकी तुम्हारा भाई हर कमेंट्स के रिप्लाई और हर कमेंट पर दिल तो दे देता है और अगर आपको पहाड़ों से प्यार और लगाव है तो भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा क्योंकि तुम्हारा भाई पहाड़ों से रिलेटेड अपनी पर डे की एक्टिविटी और यहाँ का अपडेट आप लोगों को देता रहता है तो आज के इस व्लॉग में इतना ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय।